मजे में होगा। तो गाइस फाइनली एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। ये व्लॉग बहुत ज्यादा अनप्लान्ड है क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी में देहरादून आ रखा था। अभी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला और मौसम इतना जबरदस्त हो गया, पूरी बारिश हो रही है, तो हमने सोचा कि ना एक शॉर्ट ट्रिप मार के आ जाए। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर कोई एक जगह बता रखा था, वहां जा रहे हैं। अभी भाई आ रहा है, वो बताएगा आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है, और वहाँ पे कुछ पॉन्ड और ट्रैक वगैरह सब कुछ है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। स्टे ट्यून, बहुत एडवेंचर करने वाले हैं आज, तो बस वीडियो को देखो, मजा आने वाला है फुल। बारिश हो रही है फुल, अभी चलते हैं, ये लोग आ जाएं फटाफट। उधर कहीं दुकान पे गए हैं नीचे कहीं, ये लोग आ जाएं, फिर तेजी में चलते हैं ऊपर और फिर दिखाते हैं आपको नजारे। गड है भाई भाई, रोडीज का टास्क हो रहा है, बस गर्मी नहीं है यहाँ पे। अरे बस कहाँ जा रहा है? अच्छा वहाँ जाना हमें, यहीं तक। अरे यहाँ से रोड खत्म हो रही है, कहीं आगे लगा दे और हमें यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से जाना है, यहाँ से भाई, यहाँ से नीचे ले जाओ, नीचे बहुत डेडली हो गया। लिखा वेयर टू वाटरफॉल, भाई ले जा ले जा यार। सकते हो कितनी भयंकर तबाही हो गई है यहाँ पे हमारे आते ही, इससे पहले तक ये सही हो रहा होगा। डेथ बैरन इन द हाउस आफ्टर टू इयर्स। रियो के चैनल में रियो की टी-शर्ट, रियो की कैप, रियो को ही प्रमोट करते हैं, रियो की ही वीडियो। तो गाइस लग रहा है ये वीडियो एंटरटेनिंग होने वाला है। तो गाइस ये देख सकते हो जगह कौन सी है शान, ये माल देवता। हम जा कहाँ पे रहे हैं? अरे नहीं ब्रो, वो वाटरफॉल क्या था, वो नाम होगा ना उसको कुछ। और ये हैं सोंटी भैया, अब इनका निकनेम आपको बता नहीं सकते हैं। निकनेम ही सोंटी भैया। अच्छा इनका रियल नेम आपके हो भैया, आपका अमित नाम है क्या? सही बताओ। मोंटी भैया का नाम आनंद है, तो गलत ही बता दिया अब तुमने। तो गाइस ये देख सकते हो जगह, देखो भाई पहले कितनी अल्टीमेट व्यू है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल, पता नहीं कौन सा वाटरफॉल है, वो जाके पता लगेगा। रास्ता नहीं है भाई, तो ये रास्ता हम स्लाइड से, ये पगडंडी हमने खुद बनानी है। मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा एडवेंचरस व्लॉग मैंने अभी तक शूट नहीं किया है। रोड्स एंड ट्रैवल, वाह, ये तो चैनल का नाम भी रख सकता है। रोड्स एंड ट्रैवल, तो ठीक है गाइस चलो, अब मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो दिखाऊंगा, फालतू बोर नहीं करना। और ये हर जगह सुलभ बनाने की कोशिश करी जा रही है भाई, नेचर के बिल्कुल बीच में है, ऊपर से बारिश हो रही है, मतलब पानी दिख रहा है, तो भाई पानी ही आ रहा है, बिल्कुल नहीं रुक रहा भाई। 2 मिनट को रोक भी लेते गर्मी होती तो, कि चलो पसीने में निकल जाएगा। पन्नी दे दे भाई जो तूने अगल कहीं टांगी है बगल में, अच्छी लग रही है, वो इन्फेक्टेड हो सकती है। कुछ तो हुआ है यहाँ, अनसुलझा रहस्य हो गया है यहाँ पे, एक उसको खोजने की तलाश में हम वाटरफॉल में जा रहे हैं। वो पता नहीं यार, यहाँ लोग भी नहीं है दूर दूर तक कोई, और आज का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला ही है, तो मेरे ख्याल से लोग कम ही आएंगे। अनडिस्कवर्ड वाटरफॉल है, अनडिस्कवर्ड, बहुत कम लोगों ने देखा। चलो गाइस देखते हैं कुछ भोकाल इंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारे ऐसे व्लॉगर हैं जो सिर्फ वीडियो बनाते हैं लेकिन पोस्ट आज तक नहीं करी। सन 1997 से वीडियो बनाए जा रहे हैं। 2 डेकेड से पेंडिंग है वीडियोस में, 2 डेकेड अब एक साथ ही पोस्ट होंगी यूट्यूब पे। पहले गाइस वो रास्ता था, और हमारे साथ हमने अभी हमने एक लोकल गाइड बुक किया है, ये और ये सेकंड है। इनको वीडियो देखना कैसे बना रहे स्टाइल में, पूरे भाई डेड है, करियर डेड हो गया भाई। अब यहाँ पे तभी कोई टूरिस्ट नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे एडवेंचरस लोगों की जरूरत है, रोडीज मटेरियल चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे आ ही नहीं पहुंचोगे। यहाँ पे देखो, ये देखो, अकेले तो मत जाना, जब तक रणवीर जी मेरे साथ में ना हो तो। मैं आपको रणवीर जी का है, रणवीर जी नहीं तभी तो मैं आया भाई। ये लोकेशन चेक करो, ऐसी लोकेशन ढूंढने के लिए घर से गाली खानी पड़ती है, शादी छोड़नी पड़ती है, शादी में आके शादी को छोड़ के यहाँ वाटरफॉल ढूंढने आना पड़ता है, और वो रहा वाटरफॉल, पर अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, बहुत अल्टीमेट लोकेशन है ये, देख सकते हो भाई। यहाँ कोई नहीं है भाई, भाई कोई है ही नहीं यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ही आए हैं बस यहाँ पे, और बाकी
कुछ और डेथ धारण को कुछ दिखाया अभी बताओ 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 इतने काले पत्थर नहीं मतलब इसमें दिखाने का क्या था काले पत्थर नहीं भाई ऐसे मुश्किल से मिलते हैं ना इनको देखना पड़ेगा रगड़ के नहीं नहीं अरे तो हमारा दूसरा टास्क भी है हमें पत्थर लेके जाने हैं हाँ भाई क्यों ले जाने हैं और किस पर्पस के ले जाने हैं वो डेथ दर्न बताएगा एक तो बनाना है भाई टेरेस पे एक अच्छा सा बायोस्फीयर अब देख पीछे की तरफ देख अभी तो इतना छवि नहीं आ रहा पर वहां से अच्छा वैली वाला व्यू मिल रहा है ये वाला व्यू चाहिए अपने घर की छत पे तो हम छत पे ये वाला वो क्या बोलते हैं रेप्लिकेट करेंगे और यहीं से पत्थर लेके जाएंगे पत्थर कौन से ले जाने हमें पत्थर देखना जैसे यहाँ पे ब्लैक शेड ज्यादा है हाँ तो हमें यहाँ से ब्लैक शेड के पत्थर उठाने पड़ेंगे ठीक है और ये जो छोटे वाले ग्रैनुल्स है ना हाँ ये रास्ता दिखाने के लिए ये वाले ग्रैनुल्स उठाने पड़ेंगे ये करते हैं और ये इंडियन बियर गिल्स आ गए हमारे साथ ये कुछ तो करेंगे भाई खतरनाक भाई बहुत अल्टीमेट लोकेशन है झरना मुझे अभी दिख गया मां कसम मैं इससे पहले कभी इतनी क्या बोलते हैं उसको अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पर नहीं आया हम बर्दे की दूर से झरने का पानी झरने का पानी देखो गाइस हाँ जूम करके दिखाता हूँ ये देखो गाइस पानी होता है ना सॉफ्ट वाटर कहते हैं ये वाला पानी सबसे हेल्दी पानी होता है अब लोग कहेंगे पानी में क्या हेल्दी ये इसमें मिनरल्स होते हैं मिनरल्स नहीं होते क्या होते हैं ये पानी की ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बार बार पत्थरों पर टकरा टकरा के तो जब तू इस पानी को इंटेक करेगा ना तो ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन तेरी बॉडी में बढ़ा देता है तभी यहाँ का पानी पी के जो लगता नहीं है तो जैसे यहाँ के लोग तूने दिखा होगा ज्यादा जवान लगते हैं क्योंकि अच्छा। भाई छोटा सा भी जो खाना खाते हैं ना लग जाता है अब सारा शरीर में लगता है तो गाइस ये फैक्ट्स 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 होने लग गए हैं ज्यादा चलो बैक टू इंटेक ओ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और भाई दुराटे काट रहा है झरना भाई और ये भी झरने जैसा लग रहा है भाई लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज देखो पानी तो यहाँ से भी आ रहा है हाँ। और ये कुछ वो देखना वो पेड़ जो टूटा पड़ा है वो बाढ़ से टूटा है समझ रहा है ये पानी के फ्लो से अब ये पत्थर जो आके अटके है ना ये इसलिए अटके हैं वहाँ पे जगह नहीं मिली पानी से तो यहाँ तक आ गए आगे नहीं आ पाए 360 डिग्री दिखा दूं बाढ़ नहीं आती देखो 360 व्यू दिखा दूं मैं आपको बहुत प्यारी लोकेशन है गाइस बहुत प्यारी लोकेशन और आप लोगों को मौका मिले जरूर आना लोकेशन मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में गाइस वी विल गो बाय अ सेफर रूट जस्ट बिकॉज़ वी डोंट वांट एनी इंजरी हियर ना दूर दूर तो कोई नहीं है कोई बैकअप नहीं कोई कुछ नहीं तो हम यहां से नहीं जाएंगे वहां से जाएंगे और डेथ बैरन बिहाइंड द कैमरा है कैमरा मैं बहुत कम लोगों को देता हूं क्योंकि वी नीड एक्सपर्ट क्या बोलते हैं उसको कैमरा स्किल्स ओ सो आई विल रिक्वेस्ट डेथ बैरन टू कम विद मी एंड explore the humbly heavenly place with the beauty of nature of Dehradun with the soulful minds jada english hogi guys copyright lag jayega youtube pe expect ke samne jada aage nikal gaya tum ye bahar ka channel hai bhai ye india mein kama raha hai पास आते आते झरना बड़ा होता जा रहा है कंटेनर वहां पहुंच चुके हैं और वो ग्रीन बैग आप देख सकते हो रणविजय का कौन है कोयल कोयल नहीं चिड़िया हाँ ज्यादा शांत नहीं है जगह बहुत लवली कोई रिक्शे नहीं रिक्शे ना मेट्रो की ना पान की पीपनी का थूक ना ही कोई आंटी कपड़े सुधार रही है हाँ। ना ही गली में किसी का कोरियर आया है ना ही कोई कबाड़ी वाला ओनली झरना और चिड़िया ना ट्यूशन के बाद बच्चे घर की बैल बजा के भग रहे ना ही बच्चे बॉल पढ़ के रो रहे भाई क्या प्लेस है भाई ये एक्सपर्ट एडवाइस तो गाइस ये पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी हो सकते हैं तो आप लोग आए तो बहुत ज्यादा ध्यान से चलना चलो गाइस बैक टू एंटरटेनमेंट भाई मजा ही आ गया भाई भाई मजा आ गया भाई मेरे को लगता है अगर यहाँ पे ज्यादा लोग आए हुए होते ना तो एक रास्ता बिल्ड हो चुका होता रास्ता नहीं कुछ कचरा तो देखता तू किसी ने कुछ तो फेंका होता भाई तो एक फ्रूटी का डब्बा मुझे उसके पास दिखा था जब हमने चलना शुरू करा था ना होटल के पास उसके बाद से तो
भाई साहब, मैंने मैन मेड वेस्ट यहाँ पे इतना नहीं देखा। हम मैं कह रहा हूँ लोकेशन नहीं डाल रहा, मैं अपने आप ढूंढो। ये बहुत ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। अरे भाई भाई गड्ढा भरवाओ यहाँ पे। अरे नगर पालिका बुलाओ भाई। भाई, भाई 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 इतना गड़ा गड्ढा है भैया। तो डेड बैरो ना सैंडल पहन के आए हैं। हाँ। अगेन Yes, और मैं तो एक्सपीरियंस हाई करूँ ना भाई, तो मेरे को पता है हम संभाल लेंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अरे भैया अगले 15 सेकंड में देखने वाले हो ना, आपका दिमाग फट जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी फट चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी में तो बॉडी उल्टा। भाई साहब वो भाई मछली है यहाँ पे भाई, वो देख गाइस इतनी अल्टीमेट लोकेशन भाई। भाई यहाँ से ना थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना हम देख पा रहे हैं, वहीं पहुंचते हैं भाई। चलो गाइस 10 मीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन ये दूरी तय करने में समय लगेगा, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। अरे अरे देख सरकार के एक पत्र, कृपया कुछ लिखा है ना, बस जगह जगह कूड़ा ना डाले। और पूरे रास्ते में कूड़ा नहीं मिला, और उसी बैनर के बगल में माउंटेन ड्यू की बोतल पड़ी है। बताओ यहाँ पे जरूर कोई दिल्ली का लौंडा आके गया है। नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कुछ मदिरा, ये देखो भाई मैन मेड वेस्ट मिल ही गया। लेकिन यहाँ पे बहुत कम वेस्ट है, आप किसी भी टूरिस्ट लोकेशन पे जाओगे कम वेस्ट मिलेगा, झरना कम मिलेगा। पर भाई ये है कि नहीं करना चाहिए मैन मेड वेस्ट, अपना साथ में ले जाओ। गाइस 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 वी नीड टू स्टॉप इट हियर जस्ट बिकॉज़ वी वांट टू क्लिक अ थंबनेल एंड वी विल गेट बैक टू गाइस। हमारा कट चुका है, बट मेरे लिए यही इनफ था। लेकिन ईशान बता रहा है, क्या बता रहा था भाई, यहाँ पे पहले तो यहाँ तक मतलब अभी जहाँ पर खड़े हैं ये पत्थर बाद में डाल दिए हैं, डाले नहीं यहीं पे भाई, डाले हैं पत्थर ये डाले हैं पहले नहीं थे यहाँ पे, पूरा पानी था ये। गाइस इतनी अल्टीमेट लोकेशन है कि यहाँ पे टूरिस्ट को, अरे ये कहाँ से मिल गया आपको, ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया एक्सप्लोरर गाइस एक्सप्लोरर। तो भाई झरना चेक करो अब आप, तो भाई भाई ये देखो हेवन है, मैं इसके ऊपर चढ़ के बनाता हूँ। और ये गोल्फ खेलना चालू हो गया है, ये हो जाए भैया। बना था ये देख सकते हो आप, अनार वाली कैंडल। और ये देहरादून बॉडी बिल्डर्स, और ये सागरपुर बॉडी बिल्डर्स भाई। जल ये पेट तो सामने काटा था, और ये दो सोमटी भैया, सोमटी भैया आ गए हमारे। तो गाइस अब इसके अंदर जा रहे हैं हम, जैसा हेयर स्टाइल देखो अपने आप निकल के आ गया है पानी में जाते ही, पता नहीं कैसे बुरे से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं पता नहीं। तो गाइस बस ठीक है, आप यहाँ निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बराबर पहनते कपड़े, नहीं निकल रहे अभी, अभी रुकेंगे। तो गाइस अभी रुकते हैं, अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं यार फिर दिखा देंगे आप। ये मकड़ी देख सकते हो पानी के अंदर गिरी, और अभी हम दूसरी तरफ नहा रहे थे, अगर यहाँ नहाते तो मकड़ी हमें काट लेगी। बाबा हमें मिले हैं यहाँ पर, इनके ध्यान खुलते ही हम इनसे ज्ञान की बातें लेंगे। झरने के नीचे बाबा ध्यान लगाए बैठे हैं, और पानी में हम नहीं जाएंगे, इसके बाद बस कपड़े पहन के निकलते हैं हम। और क्योंकि आगे जाने का रास्ता भी थोड़ा वैसा है, बाकी धूप आ गई है, फुल मज़े आ रहे हैं।
थोड़ी देर इधर बैठेंगे, बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है, बस फिर निकल। गाइस रेनबो बन चुका है, ये देख सकते हो हल्का हल्का दिख रहा है, ये देखो। तो गाइस अब हम यहाँ की याद लेके जा रहे हैं, यहाँ का पानी हमारी बॉटल में, और इस पानी को हम जल्दी से पियेंगे नहीं, संभाल के रखेंगे। आदो उतना पड़ेगा भाई, तो गाइस फाइनली चेंज कर लिया हमने, अब हम जा रहे हैं वापसी। रास्ते में देखते हैं कुछ और सड़कता भड़कता दिखा दिया अगर इंसान ने तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और हाँ गाइस हम लेट हो रहे हैं, शादी में भी पहुंचना है हमें, तो आज की ही शादी है जिसपे हम टाइम पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं गाली पड़ जाएंगी। तो ठीक है चलो गाइस नज़ारे दिखाते हैं आपको, बाकी बड़ा मुश्किल रास्ता है ये। कौन सी भैया को मिल गया एक लठ, काइंड ऑफ लठ, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने बनाया हुआ है ये, ऐसा इतना इतना ऐसा मतलब फिनिशिंग वाला, ऐसे क्या बोलते हैं, नेचुरल तो बन नहीं सकता। नहीं नेचुरल बन सकता है, इतना फिनिशिंग नहीं है ना भाई उसमें, है उसमें भाई। तो हम इसको घर ले जा रहे हैं, तो इसको हम एज अ याद घर ले जा रहे हैं, और ये पार्कौर, पार्कौर, पार्कौर करेंगे, पार्कौर, पार्कौर। एक, दो। अब जब सब पार्कौर ही कर रहे हैं, अरे नहीं भैया क्या बात, हाँ तो मैं तो वो दिखाता इसको फ्री रनिंग, वहां से दोबारा से दिखाता हूँ उदित के चैनल पे फ्री रनिंग करते हुए डालेंगे। ये पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो तो हम लोग एडवेंचरस हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसमें ट्रैवल कर पा रहे हैं, अदरवाइज कोई नाजुक लोग आए तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो बाकी गाइस बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, कुछ ज्ञान की बातें देखो। पेनल्टी कॉर्नर जो लेते हैं ना, पेनल्टी कॉर्नर, ये हमारे साथ गोल्फ कोर्स रोड से आए हैं, ये गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हैं, इसीलिए इनको गोल्फ सीखना पड़ा। नहीं गोल्फ कोर्स नहीं कर रहा, हॉकी का कर रहा, हॉकी में तुम ऐसे ही गुड्डा वाला उतर गुच्ची करते ना बचपन में, ये दे वाला नहीं मारते। अच्छा जो पेनल्टी कॉर्नर लेते हैं वो ड्रैग करके मारते हैं, तो मान लो ऐसे मारना मेरे को, हट जा रे, अब पत्थर तो तेरे मुंह पे लगेगा ना। ओके वाओ, ओ माय गॉड, डुराटे काट दिए भाई, ये मैंने बढ़िया पता नहीं, अरे ये नहीं, देख रहे हो गाइस शादी में नहीं जा रही है, ये पत्थर सही है, हो कि हिलने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने पत्थर फेंक दिया, बहुत ही भारी पत्थर देखा। चलो ये काइट का चैनल है, इसमें हॉकी भी दिखाई है, हमने मछलियां कैप्चर कर ली हैं, ये देखो कितनी तगड़ी मछली है भाई, ये वही है भाई, ये उसकी बड़ी वाली है भाई, बड़ी वाली है गाइस, जूम करते हैं थोड़ा सा भाई, देखो अब इनको हम ले जाते हैं दोबारा घर ले जाएंगे, देखो 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 बड़ी वाली, उधर कितनी बड़ी है, कैफे है जंगल गडेरा, क्रिकेट चल रही है फुल स्पीड में, चलो गाइस वापिस जाने का समय आ गया, बेहतरीन शॉट, और ये चलो गाइस चलते हैं।